दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक धमाका में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं किर्लोस्कर कंपनी का जलराज मोटर मेरे पास आया है 0.5 PH की, जो ये बुरी तरह से जल चुका था। तो मैं इसको अच्छी तरह से कटिंग करके और अच्छी तरह से इसको बाइंडिंग किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग कॉइल आया है, और इसको अच्छे से बाइंडिंग करके और लूप निकाल के अच्छी तरह से इसको सील के बार्निश कर लिया हूँ मैं। दोस्तों आप लोग को कोर का साइज बता दें, तो कोर का साइज निकाले हैं तो कोर का साइज 1 इंची आ रहा है। उसके बाद से इनर डाई नापे हैं तो इनर डाई मेरा 2 इंची आ रही है। उसके बाद से आउटर डाई नापे हैं तो आउटर डाई मेरा आ रहा है 4 इंची के आसपास। उसके बाद से आउटसाइड बॉडी नापे हैं तो आउटसाइड बॉडी मेरा 3.5 इंची आ रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग कॉइल आया है। और दोस्तों आज इसको फिटिंग करके और चला के इसका स्पीड बताते हैं और इसका कंपनी का डाटा बता देते हैं। जो कंपनी का डाटा इसमें था उसको अच्छे से कटिंग करके मैं गिन लिया था, तो इसको अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद से आप लोगों को इसका डाटा बताएंगे और इसका स्पीड आप लोगों को चेक कराएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से इसको फिटिंग कर लिया हूँ। फिटिंग करने के बाद से इसका स्पीड आप लोग को चला के चेक कराता हूँ और उसके बाद से इसका डाटा बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसका स्पीड है। और दोस्तों आप लोग को इसका डाटा बता दें तो 4-2 के सेट रहेगा, 26 नंबर कापर वायर से ये रहेगा, 100-100, 100-100 का टर्न, 4 कॉइल 100-100 का टर्न रहेगा। उसके बाद से आप लोग को फिर से स्टार्टिंग कॉइल के टर्न बता दें तो स्टार्टिंग कॉइल आप लोग को बता दें 28 नंबर कापर वायर से ये रहेगा, 140 टर्न 140 टर्न में 2 का सेट रहेगा। 4-2 का सेट इसमें हम डालेंगे और ये कंपनी का डाटा है दोस्तों। इसी डाटा पर आप लोग बाइंडिंग करिए। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।